ग्रीन किचन में आपका स्वागत है। मकर संक्रांति का त्योहार आ रहा है तो ग्रीन किचन में आज हम बनाएंगे मुरमुरा के लड्डू यानी कि लाई के लड्डू, जो बनाना बहुत ही आसान है और कम सामग्री से हम इसे बनाएंगे। तो आइए मुरमुरा के लड्डू बना के खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम मुरमुरे लिए है, 150 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ हम किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, लेकिन यदि सख्त गुड़ लिया तो गुड़ को पिघलने में देर लगेगी। और 2 छोटी चम्मच घी लेंगे। मुरमुरे के लड्डू बनाने में हमें इतनी सामग्री लगेगी। तो यहाँ पे मैंने मुरमुरे को साफ कर लिए है। अब हम इसे एक बड़े बर्तन में डालकर 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर भून लेंगे ताकि मुरमुरे क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए, हमने मुरमुरे को 2 मिनट के लिए भून लिए है। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी बर्तन में हम 2 छोटी चम्मच घी गर्म करेंगे। यदि आप घी नहीं खाना चाहते तो घी की जगह आप 3 से 4 छोटी चम्मच पानी भी ले सकते हैं। इसमें भी गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा। अब हम इसमें ये 150 ग्राम गुड़ डाल देंगे। गुड़ के पिघलने तक हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। अगर गुड़ जल गया तो हमारे लड्डू में कड़वापन आ जाएगा, इसलिए चलाते रहना जरूरी है। ये देखिए, गुड़ में बबल्स दिखने लगे हैं, लेकिन हमें इसे और भी 1 मिनट के लिए चलाते हुए पकाना है, तब जाके हमारे गुड़ की चाशनी अच्छे से पक जाएगी। 1 मिनट हो गई है। अब हम गैस बंद करेंगे और ये पतीला को नीचे उतार लेंगे। अब हम इसमें थोड़े थोड़े मुरमुरे डाल के मिक्स करते जाएंगे। ये प्रोसीजर हम थोड़ी फास्ट में करेंगे। इसे हम झटपट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये गुड़ और मुरमुरे का मिश्रण थोड़ा गर्म हो तभी हम हाथ को गीले करके इसमें से लड्डू बना लेंगे। लड्डू को आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने सारे मुरमुरे के लड्डू तैयार कर लिए हैं। तो 150 ग्राम मुरमुरे और 150 ग्राम गुड़ को मिला के कुल 20 लड्डू हमने तैयार कर लिए हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें।